मित्रों, एक ऐसा मंदिर जहां सिर्फ शिवलिंग पर गिरती है बिजली और खंड खंड हो जाता है शिवलिंग। जानिए क्या है इसके पीछे का रहस्य और क्यों गिरती है इस शिवलिंग पर बिजली। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दैविक माया YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म के ग्रंथ कई चौंकाने वाले रहस्यों से भरे हैं। इन्हीं में से एक रहस्य है बिजली महादेव नाम के मंदिर का। इस मंदिर में हर 12 साल पर ठीक शिवलिंग के ऊपर गिरती है बिजली। हैरानी की बात तो यह है कि बिजली गिरने के बाद ना तो मंदिर को और ना ही किसी भी और वस्तु को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। और दोस्तों, ये सिलसिला युगों से चलता आ रहा है। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय शिवलिंग पर बार बार बिजली गिरने की पौराणिक कथा। मित्रों, जब जब संसार पर संकट आया है, भगवान शंकर ने वो अपने ऊपर ले लिया है। पुराणों के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने शंकर जी से विनती की थी कि हे प्रभु, संसार को बिजली गिरने से होने वाले प्रकोप से बचाइए। वज्रपात न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंचाता है, कृपया कोई समाधान दें। जब भगवान शिव ने इंद्रदेव से इसका समाधान पूछा तो वे बोले, हे भोलेनाथ, मेघों के बीच उत्पन्न होने वाली शक्ति का निकास आवश्यक है, प्राकृतिक है, इसे रोका नहीं जा सकता। तब भगवान भोले शंकर ने कहा, यदि ऐसा है तो हिमालय के पहाड़ों पर बुंतर नामक गांव के एक पहाड़ की चोटी पर मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान हूँ। आप वज्रपात केवल उस लिंग पर कर लें और तब से हर 12 साल बाद शिवलिंग पर और हर दूसरे साल मंदिर के ध्वज पर बिजली गिरती है। अचरज की बात तो ये है कि यह शिवलिंग टूटकर चूर चूर हो जाता है और फिर शिवलिंग के टुकड़ों को समेट कर उसे जोड़ा जाता है। बिजली शिवलिंग या ध्वज को तो क्षति पहुंचाती है, लेकिन मंदिर के किसी अन्य हिस्से को या पूरे पर्वत पर कहीं भी कोई हानि नहीं होती। जब शिवलिंग पर बिजली गिरती है तब वह खंड खंड हो जाता है। तब मंदिर के पुजारी शिवलिंग के टुकड़े ढूंढकर लाते हैं और मक्खन से उसे जोड़ते हैं। जो मक्खन मरहम के लिए लगाया जाता है वह गाय के सिर्फ पहले दूध से ही बनाया जाता है और कुछ ही समय में शिवलिंग ठीक पहले जैसा ही हो जाता है। तो मित्रों, ये कथा थी भोलेनाथ शंकर के मंदिर बिजली महादेव की। कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बिजली महादेव का भव्य मंदिर है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय शिव शंकर मित्रों।